इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। आप देख सकते हैं सामने स्थिति कितनी भयावह है। सबसे बड़ी बात है कि यहां जो लोग हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। लोग अपने पैसे देकर यानी ज़्यादा पैसे देकर रिक्शा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रिक्शा चलाते हैं उन्हें भी इस बात का डर होता है कि कभी भी उनकी जान जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि वह गरीब है, थोड़े पैसे के लिए वह चले जाते हैं। ये बताइए, अंदर जाते हैं कितना डर लगता है, कितना पानी है अंदर? पानी तो यहाँ तक डांड़ भर पानी है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, रिम टूट जाता है, फ्रॉक टूट जाता है। मेन हॉल भी अंदर में खुला हुआ? हाँ, खुला हुआ है, चैम्बर 5-6 को। आपका रिक्शा डैमेज भी हो सकता है? हाँ, एक टूट गया कल तो आज दूसरा निकाले हैं। तो क्यों जाते हैं इतना डर के बाद अंदर क्यों जाते हैं? तो पैसा के लिए, पैसा घर में नहीं है, इसी से कमाते हैं, इसी से खाते हैं, तो इसके लिए हमको निकलना पड़ता है। ये बताइए अंदर जब जाते हैं कितना डर लगता है? डर लगता है सर, देखिए चप्पल रखे हुए हैं, बगैर चप्पल के देखिए पूरा फोड़ा फोड़ी सब पड़ा हुआ है। अरे भर नार पानी है, बगल में नाला भी है। हाँ, बगल में नाला है, अभी पूरा। तो ये जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो नाला की खुदाई हुई वह काफी गहरा है? गहरा काफी है, नाला थाना के आगे पूरा इतना पानी है कि थाना के आगे जब तक पूरा रोड नहीं कोरेगी जब तक पानी नहीं निकलेगा, समझ गए? लेकिन पटना का तो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। क्या स्मार्ट सिटी, देख ही रहे सर पटना क्या स्मार्ट सिटी बनेगी, बनने लायक है? पूरा एरिया डूबा हुआ है, किसी खाने के लिए काम पे रोजी रोटी नहीं मिल रही है। तो प्रशासन का कुछ व्यवस्था है अंदर, कुछ खाने पीने का मिल कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं कुछ नहीं मिल रहा, ना पानी मिल रहा ना खाना मिल रहा। देखिए किस हाल में जा रहा है, आदमी मर रहा है, कुछ नहीं है। माए बाप, सरकार इस पर ध्यान दे, नाला थाना के आगे नाला पूरा जाम है, जब तक पूरा नाला नहीं कोरेगी पानी नहीं निकलेगी। क्या सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था हो रहा है? कुछ नहीं व्यवस्था है, यही स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में हम लोग घूम रहे हैं, बस अब क्या कर सकते हैं। ये तो सुशासन की सरकार है ना? ये सुशासन की सरकार है ही, ये हाल है। हम लोग तो अपने परेशान है, देख रहे हैं झोला में लेके जा रहे हैं ड्यूटी, खाना जेब में है। तो ये लोगों की परेशानी आप देख सकते हैं, सामने काफ़ी ज़्यादा पानी है, करीब 4 फीट पानी है, उसके बाद भी लोग इसी पानी में आ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर सड़क के दाएं और बाएं तरफ खुदाई की गई थी नाला बनाने के लिए, वह खुला हुआ है। लोगों को डर लगता है कि उनकी जान कभी भी जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठोने से ज़्यादा पानी है, और इसी पानी में अपने जान जोखिम में डालकर लोग बाहर और अंदर जाने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।